नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी हम हैं राजस्थान के पाली जिले में और यहाँ पर क्योंकि हम रास्ते से निकल रहे थे, चोर रहे थे, कुछ नुकरों पे कुछ लोगों से बात की जाए। राजस्थान में चुनाव का माहौल है, कैसा माहौल है राजस्थान में? अच्छा है, बीजेपी का है, बीजेपी का है, बीजेपी की दौड़ चल रही है इधर। मगर सरकार तो अभी गहलोत साहब की है। देखो, गहलोत साहब की सरकार आगे क्या होता है वो मालूम नहीं है, पर अभी तक संभावना उनकी है। क्यों लग रहा है लोगों को कि उनकी हो सकती है? बदलाव क्यों चाहिए राजस्थान में? राजस्थान में बदलाव चाह रहे हैं लोग सब। राजस्थान में बदलाव इसके लिए चाहिए कि विकास नहीं हुआ राजस्थान में। विकास नहीं अभी हम रास्ते में, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, अभी हमारे को बीजेपी चाहिए, बीजेपी राज में हमारा विकास होगा। रास्ते में हम देख रहे थे कि सड़कें भी बिल्कुल टूटी, सड़कें भी सब टूटी हुई है। मैं 3 बजे का टेम्पो चलाता हूँ, रोज का 300-400 रुपए का मेंटेनेंस आ जाता है। क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत परेशानी होती होगी फिर तो? होती है, पूरा रोड टूटा हुआ है, कोई एरिया में कहा ये रोड सक्सेस है ही नहीं है अपने इधर। ये मुंडा गाड़ा देसी रोड पूरा टूटा हुआ है। कुछ बोल रहे हैं आप भी? ये मेवाड़ से जी। हाँ, देश के लिए, राष्ट्र के लिए मोदी जी आनी चाहिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी, और देश के प्रति, धर्म के प्रति सब सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। मतलब राजस्थान में हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है क्या? नहीं, गता नहीं है, लेकिन विकास नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे। हाँ, और हमारे नेता पुत्रंजन सिंह जी, विकास में एकदम ठप है, किसान भी परेशान है। नहीं, आपस में जो दोनों लड़ रहे हैं उसके कारण भी क्या? नहीं, हमारे उधर तो कोई नहीं लड़ा है। नहीं, ये दोनों गहलोत और पायलट साहब की जो लड़ाई, वो तो चुनाव है, चुनाव तो हो गया, चुनाव में लड़ेंगे ना। नहीं, आपस में जो उनकी है, पायलट साहब की और अशोक गहलोत जी की, आपस में चल रहा है, उनको खुद को पार्टी को नुकसान है उनको। आपका नाम? कपूर चंद माली। अच्छा, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर सरकार चुन करके? अगली बार सर बदलाव जरूर, जरूरी है, 100%। क्यों बदलाव जरूरी है? क्यों, हमारे गहलोत साहब ने काम अच्छा किया है, जैसे योजना भी बहुत अच्छी लाई है। हाँ, योजना के हिसाब से बदलाव जरूरी है। तो नहीं, आप तो गहलोत साहब के सपोर्ट में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं आप? खिलाफ नहीं, सपोर्ट में बोल रहे हैं। योजना, नई नई योजना लाई है ना? अच्छा, नई नई योजना ला रही, तो आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव इधर होना चाहिए, हमारे बाली का। अच्छा, बाली का बदलाव होना चाहिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही, गहलोत की सरकार वापिस बने जी? आप? हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं, मतलब पहले भी बीजेपी वाले थे, अभी भी बीजेपी वाले हैं? जन्म से बीजेपी वाले, जन्म से बीजेपी वाले। आप चाचा? अशोक गहलोत। क्या है? ठीक है, अशोक गहलोत ही रहना चाहिए। अशोक गहलोत क्यों? क्योंकि मतलब फायदा गरीबों को तो फायदा देता है, हमको तो कोई फायदा नहीं है, गरीबों को फायदा होता है। गरीबों का फायदा होता है कैसे? जैसे हमारा तो कोई गोभी नहीं आता है और कोई फायदा नहीं है, तक 25 साल हुआ है तो कोई फायदा नहीं हुआ है। तो कोई फायदा नहीं हुआ तो क्यों कह रहे हैं? गरीब लोगों को तो फायदा, कोई फायदा दूसरों को तो होना चाहिए, तो बुढ़े लोगों को। अच्छा अच्छा जी। हाँ, हम अभी भाजपा कार्यकर्ता लग रहे हैं पूरा एकदम, तो आपका तो पूरा, हम बिल्कुल एकदम बीजेपी के कार्यकर्ता है। पूरे राजस्थान में ये भाजपा ही निकलेगी, भाजपा 127 सीटें निकलेंगी, इसमें पूरी पब्लिक दुखी है, जिसमें कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, पेपर लीक करना, ऐसे उनकी नीतियां हैं, इस नीतियों को अभी की बार हम साफ कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आप वोटर हैं? नहीं। बोलो, बोलो, बोलो। अच्छा, कुछ लोग बोलने से भी बच रहे हैं, लेकिन देखिए मिक्स चीज है, वही असली बात बोलनी पड़ेगी। जो भी माहौल कौन सा चला, बीजेपी विकास ही नहीं हुआ है, कहीं विकास हुआ तो देख लो आप, आए रोड कैसा देखा? रोड तो बिल्कुल टूट फूट, रोड तो, मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, पत्रकार भी। पाली से विधायक साहब है पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका सहयोग करते हैं, गरीबों का साथ है उनका। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल वापस हो आप? अब की बार वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, 100% होगी, रिपीट होगी, 100% होगी। हमारे यहाँ बाली में बदलाव जरूरी, 100% होगा। बाली में बदलाव मतलब बाली में अभी जो विधायक हैं वो बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अच्छा, यहाँ के विधायक ने नहीं काम किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? सर देखो, हमारा काम तो जैसे हमारे बाली तहसील में जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, तो अब की बार जैसे चेंजिंग होगा तो लगभग होगा, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। वोटर हो तो हमारी सरकार जैसे अब की बार अशोक जी गहलोत की होगी जी। बोलिए सर, क्या करें आप, बदलाव यहाँ राजस्थान में बदलाव होगी या फिर? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब बच्ची का एडमिशन करवाया तो मतलब कि स्कूल की छात्रवृत्ति माफ होती थी। हाँ, जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हो गई तो वो छात्रवृत्ति कैंसिल हो गई, 3 साल का हमने 1 लाख एक्स्ट्रा भराने, तो 3 साल फीस माफ होती थी। बीजेपी को वोट देंगे हम। अच्छा, करप्शन भी है क्या?
करप्शन नहीं है, करप्शन का नहीं इतना नहीं है, करप्शन थोड़ा बहुत तो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आए वो होता ही रहेगा। बदलाव चाहते हैं आप लोग, की बदलाव हो, बदलाव किस लिए, मोदी जी के नाम पर यहाँ के किसी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे बहुत है, बहुत मुद्दे है, बहुत है, बहुत है, ऐसा कुछ नहीं मतलब अभी है। अभी लोग सुमेर यहाँ से सुमेरपुर खरीदी करने जाते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का एक भी बस नहीं है, व्यापारी जाते हैं, सोने वाले जाते हैं, किराना वाले जाते हैं, मिठाई वाले जाते हैं, कोई कसरे दिए, कसरे ये जो अभी किट दिए तो पूरे ईट ईट के पूछे निकले अंदर से और पूरे कसरे निकले, लोगों को गुमराह किए और मोबाइल भी दिए तो कहीं 10% ही मोबाइल दिए गांव में, जैसे 200 घर था 10 औरतों को भी दिया और इसे और औरतें भाग भाग के जाएगी इस मोबाइल से, इस मोबाइल दिया ये खुद मतलब उसने बहुत भयंकर गलतियां की है, मोबाइल व्हाट्सअप चलाती है और उसे लड़कियां वगैरह सब ऐसे भाग भाग के ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं की है भाई साहब, उसने गलती की है और 10 लोगों को दिया और 90 औरतों को निराश की उस लोगों ने, देना था पूरे राजस्थान में देना था, उसने बहुत गलती भयंकर गलती की है उसने, कि उसने भारी वोटों से ये हारेगी कांग्रेस सरकार और भाजपा निकलेगी, ये जय हिंद जय मोदी निकलेगा, मोदी साथ है सब, और यहाँ छठी बार ये पुष्पवंत सिंह विधायक साहब ने टिकट मिला है तो तन मन धन से ये पब्लिक के साथ में रहता है और कांग्रेस वाला कभी यहाँ आता नहीं, 5 साल कभी पूछता भी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। राहुल जी तो आज से प्रचार करने निकल रहे, राजस्थान आ रहे हैं आज से, राहुल जी बिल्कुल पागल पड़े में बात करते हैं लोगों को, बोला के कर्सा पप्पू बना दे, बस पप्पू बना दे, हाँ अभी जो किट दिया ना उसमें नमक में 50% तो मिट्टी है, बोलो नमक दिया, नमक जो सरकारी किट मिला ना उसमें कुछ नहीं है, सब कचरा है गहलोत सरकार का, खाने योग्य चीज ही नहीं है उसमें, बोलो आने लायक भी नहीं है राजस्थान में, आने लायक भी नहीं है, उसने बोला था कि कर्जा माफ 1 2 3 गिनती करेगा तब कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ आज तक भी नहीं हुआ और ये सूतिया लोगों को बनाता है, बेवकूफ बनाता है और ये आम जनता के साथ में ये दुष्ट करता है ये लोग, और अभी क्या उनको चमत्कार बताएंगे और भाजपा सरकार हम राजस्थान में बना के मोदी जी का नारा लगाएंगे हम लोग। और मतलब जब बीजेपी गवर्नमेंट थी मेरे को किसान के हिसाब से 11,000 लोन मिलता था, जैसे कांग्रेस आएगी तो 3200 रुपये मिल गया, 3200 में क्या होता है, 3200 में खाद भी नहीं आती, और ये लोग तो कहते हैं कि हम किसान के शुभचिंतक हैं, नहीं नहीं माफ करते हैं कर्ज माफी, 30% वो 30% हो गया, 100% के जो 30% किसी लोन हो गया किसान का और वो भी माफ नहीं हुआ। चलिए तो राजस्थान में मिली प्रतिक्रिया है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी जी के नाम पर बीजेपी की सरकार बनेगी।